अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। सिरोही में प्रवासी मजदूरों के लिए भामाशाह बन रहे मदद का मसीहा, दे रहे राशन, मिटा रहे भूख। देश भर में 50 दिनों से चल रहे लॉकडाउन से तंग प्रवासी मजदूर मुलुक भाग रहे हैं और सवारी नहीं होने के बावजूद पैदल सड़कों की धूल फांकने के लिए मजबूर हैं। अब इन प्रवासियों को ही देख लीजिए, ये 4 दिनों से अपने मुलुक झारखंड जाने के लिए निकले हैं। इनके पास ना अब पानी बचा है ना खाने का सामान। ऐसे में जब कोई मदद का मसीहा बन जाए तो फिर क्या कहने। झारखंड के इन प्रवासियों की बेबसी देखकर सिरोही के समाजसेवी रघुनाथ माली ने मदद का हाथ बढ़ाया। मजदूरों को विश्राम करने और भोजन का इंतजाम किया, जाते हुए खाद्य सामग्री भी प्रदान की ताकि प्रवासियों को राहत मिले। मजदूरों ने इस सहायता के लिए रघुनाथ माली का आभार जताया। उन्होंने कहा कि कंपनी ने मदद नहीं की फिर तंगी में आखिर कब तक जिएंगे, न पैसा बचा था न रहने का ठिकाना, और इसीलिए उन्होंने मुलुक जाने का निर्णय लिया। आइए आपको भी सुनाते हैं कि मजदूरों ने क्या कहा। जी सर, गुजरात में सर, L&T में सर। सर वहाँ पे सर हम लोग वहाँ से हम लोग मांग किए सर L&T वाले से कि हम लोग घर जाना चाहते हैं। तो ये लॉकडाउन जब हुआ सर, तो महीने दिन के बाद वो हम लोग के पास जब आया सर, तो साइन उन करा लिया सर। कंपनी वाले ने, L&T वाले ने साइन कराया, उसके बाद चला गया। फिर काम चालू किया सर। काम चालू करने के बाद हम लोग बोले सर कि हम लोग काम नहीं करेंगे सर, हम लोग घर जाना चाहते हैं। तो बोल रहा है कि जब काम करोगे तो खाने के लिए मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग बोलेगा ऐसा है सर, तो हम लोग काम नहीं करेंगे सर, हम लोग घर जाना चाहते हैं। तो बोल रहा है कि जा भी सकते हो सर। हम अपना ठेकेदार को बताया सर, तो ठेकेदार भी बोला कि जा सकते हो। आज हम लोग जाकर खाना खाए। रास्ते में वही सर जो गाड़ी ट्रक व्रक देते थे सर, बिस्कुट उस्कुट सर, वही खाते चल रहे हैं। कहीं दुकान मिलता तो वही हम लोग को 5-10 रुपया है मेरे पास, वही खाते चलते सर। बाकी पैसा कोई नहीं, पैसा नहीं है सर हम लोगों के पास, 1 रुपया भी नहीं है पैसा। तो इस तरह से तुम झारखंड कैसे पहुंचोगे सर? जो भी जैसे भी जा सकते हैं सर, क्या करेंगे सर? अगर कोई सुविधा मिल जाए तो चले जाएंगे, नहीं मिलेगा तो पैदल जाते रहेंगे सर। कोई भी सर देगा तो खा लेंगे सर, मांग के भी खा लेंगे। बताना जरूरी है कि ऐसे असंख्य मजदूर हर राज्य से अपने मुलुक की ओर लौट रहे हैं। सैकड़ों ऐसे हैं जो कुछ ठिकानों पर क्वारंटाइन में कैद हैं और ट्रेनों के खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे हैं जो बिना सवारी ही घर के लिए बोझ लादे निकल पड़े हैं। उन्हें उम्मीद सिर्फ इस बात की है कि वे सही सलामत अपने घर पहुंच जाएंगे। सिरोही से भवानी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।